नमस्कार दोस्तों, राम कलेश्वर दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, जैसे हम अपनी पणिया या झोटी को सीमन करा देते हैं तो ऐसा आपको देखने को मिलता होगा, सीमन कराने के बाद वो बार बार पेशाब करती है, रुक रुक के पेशाब करती है, तब क्या वो गर्भवती होगी या नहीं होगी या हिट पर होगी, क्या है सर ये दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। जहाँ तक दोस्तों देखा जाता है, जैसे सीमन करा देते हैं अपने पणिया या झोटी को, तो ऐसा देखने को मिलता है कि आपकी पणिया जो है बार बार पेशाब करती है, यानी रुक रुक के पेशाब करती है, 10 मिनट पर पेशाब करती है, फिर 15 मिनट पेशाब करती है या दो दो मिनट पेशाब करती है, तो ऐसा आपको देखने को मिलता होगा। तो अगर दोस्तों ऐसा कर रही है तो अब आपको एक क्लियर मान लेना चाहिए कि सीमन जो आप कराए हैं वो ठीक है, लेकिन ये अभी हीट पर ही है, वो ठंडी नहीं हुई है। तो उसको अपना समय देख करके, जैसा होता है कुछ पणिया या झोटी जो है ज़्यादा समय तक हीट में रहती हैं, कुछ कम समय पर हीट में रहते हैं, तो मान लीजिए 12 घंटे या 18 घंटे जैसा दिखाई दे उसी हिसाब से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि सुबह से हीट में आई है तो शाम को कराइए, शाम को हीट में आई तो सुबह कराइए, तो इस तरह आप सीमन करा देते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है, अपने पड़िया झूठी को आप अगर भैंसे से क्रॉस कराते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए 99% रहता है, अगर क्रॉस हो जाती है भैंसे से तो ऐसा माना जाता है कि जो भी आपकी पड़िया झूठी है वो दोबारा हीट में, यानी कि हीट में नहीं आती। 1% ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पणिया झोटी है वो हीट में हो सकती है, कि जैसे आप क्रॉस करवा दिए हैं उसके बाद भी वो हीट में ही है और आप उसको लेकर चले आए हैं, फिर वो बार बार रुक रुक के पेशाब कर रही है या बार बार पेशाब कर रही है, तो ये पेशाब से एक अंदाज़ा लगता है कि आपकी जो पणिया है झोटी है वो अभी भी हीट में है। अगर आप सीमन करा दिए हैं, बार बार पेशाब कर रही है, रुक रुक के पेशाब कर रही है, तो आपको समझना चाहिए कि हीट में है, उससे जो है दोबारा से सीमन करा देना चाहिए। अगर सीमन नहीं कराते तो क्या है वो गर्भधारण नहीं करेगी, क्योंकि एक अनुमान लगाया जाता है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि रुक रुक के पेशाब करना हीट माना जाता है। पीछे जो होता है योनि मार्ग, पेशाब का रास्ता, वहाँ भी अगर सूजन है तो भी हीट माना जाता है। लेकिन जैसे हीट में हैं अभी और उसको सीमन करा दिए हैं फिर भी पेशाब के रास्ते सूजन रहता है तो भी वो जो है हीट में नहीं मानी जाएगी। अगर वो पेशाब बार बार करती है तो इससे जो है आप एक अनुमान लगा लेना है कि ये हीट पे है, इसको हमें दोबारा से सीमन करा देना चाहिए, तभी दोस्तों वो गर्भधारण करेगी, अन्यथा वो गर्भधारण नहीं करेगी। फिर क्या है, आप बार बार परेशान होंगे, बार बार सीमन कराएंगे, तो ये बात को ज़रूर ध्यान रखना है, ज़रूर समझना है। अगर बार बार पेशाब करती है तब उसे दोबारा से सीमन करा दीजिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोगों ने आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।